हेलो एवरी वर्न वेलकम टू माई ट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका सो आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास ट्वेल्व हिस्ट्री बुक का एक चैप्टर दैट इज पीजन जमींदार एंड द स्टेट को डिस्कस करने वाले हैं सो so, ये वीडियो इस चैप्टर का वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसमें हम लोग इस पूरे ही चैप्टर को बहुत ही ईजी एंड शॉर्ट तरीके से डिस्कस करेंगे बट अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है देन प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन टूवर्ड्स द डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर सो so नाउ अब हम लोग चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं सो एज़ आई सेट द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज पीजेंस जमींदार एंड द स्टेट एग्रीन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर सो इस चैप्टर में हम लोग पीजेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यानी कि किसानों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोग ज़मींदार के बारे में भी डिस्कस करेंगे सो so, जमींदार एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास काफ़ी सारे एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं एंड साथ ही साथ हम लोग इस चैप्टर में स्टेट के बारे में यानी कि गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे सो खास कर इस चैप्टर में हम लोग सिक्सटीन से लेकर सेवनटीन सेंचुरी सी के टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडिया में जो एग्रीगियन सोसाइटी था एग्रीगियन सोसाइटी एक ऐसे सोसाइटी को कहा जाता है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है सो so, हम लोग इस चैप्टर में इस टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडिया में जो एग्रीगियन सोसाइटी था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं अंडर द मुगल एम्पायर सो आई होप कि आपको इस चैप्टर के नेम के थ्रू आपको इस चैप्टर का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा सो so नाउ अब हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ़ दिस चैप्टर सो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमें सिक्सटीन से लेकर सेवनटीन सेंचुरी सी के टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडिया में जो एग्रीगियन सोसाइटी था सो उसके बारे में ही बता रखा है सो so, इस टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडिया में लगभग 85 परसेंट ऑफ द जो पॉपुलेशन था सो वो विलेजेस में ही रहता था सो so, विलेजेस में रहने वाले जो पीजेंस होते थे यानी कि जो किसान होते थे साथ ही साथ जो लैंडेड इलाइट्स होते थे यानी कि लैंडेड इलाइट्स यहाँ पे जमींदार को ही कहा गया है सो पीजेंस एंड जमींदार दोनों ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के एक्टिविटीज में ही इंगेज रहते थे साथ ही साथ बाहर से भी कुछ एजेंसीज़ रूरल एग्रीगियन वर्ल्ड में एंटर करता था जैसे कि फॉर एग्जांपल द मुगल स्टेट यानी कि मुगल गवर्नमेंट सो मुगल स्टेट भी रूरल एग्रीगियन वर्ल्ड में एंटर करता था यानी कि विलेज के वर्ल्ड में एंटर करता था एग्रीगियन सोसाइटी में एंटर करता था एंड इसके साथ, साथ साथ स्टेट के जो एजेंट्स होते थे जैसे कि रेवेन्यू एसेसर्स एंड कलेक्टर्स सो so, ये लोग विलेजेस में जाके रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे सो so, इनडायरेक्टली ये लोग भी एग्रीगियन सोसाइटी में इंक्लूड होते थे एग्रीन सोसाइटी में इन्वॉल्व होते थे साथ ही साथ रिकॉर्ड कीपर्स यानी कि ऐसे लोग जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को रखते हैं सो so ये लोग भी विलेजेस में जा रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स को रखते थे सो so ये सब भी इनडायरेक्टली बाहर से एग्रीगियन वर्ल्ड में एंटर करते थे एग्रीगियन सोसाइटी में एंटर करते थे और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे सो so ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पीजेंस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सो इस टॉपिक में हम लोग पीजेंस के बारे में द्वारा इनहेबिट किया जाता है सो विलेजेस में ही हमें ज्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखने को मिलता है एंड ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पीजेंस के द्वारा ही किया जाता है सो किसी भी एग्रीकल्चरल सोसाइटी का जो बेस होता है वो होता है एक विलेज सो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करने वाले जो पीजेंस होते थे वे लोग एग्रो बेस्ड गुड्स की प्रोडक्शन में भी अपने लेबर सर्विस को प्रोवाइड करते थे एग्रो बेस्ड गुड्स ऐसे गुड्स को कहा जाता है जिसको डायरेक्टली आप लोग कंज्यूम नहीं कर सकते हो बल्कि उन सारे गुड्स का इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा प्रोसेसिंग होता है एंड उसके बाद ही हम लोग उन सारे गुड्स को कंज्यूम कर सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड ऑयल सो अगर आपको ऑयल चाहिए देन सबसे पहले आपको ऑयल के सीड्स को ग्रो करना पड़ेगा खेतों में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड या फिर सनफ्लावर एंड फिर उसका प्रोसेसिंग होगा इंडस्ट्रीज में एंड उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हो सो पीजे एग्रो बेस्ड गुड्स के

ना नेक्स्ट हमें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सोर्सेस के बारे में बता रखा है सो so, जो पहला इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है क्रॉनिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द मुगल कोर्ट सो जैसे कि हम लोग एक ऐसे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जिस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया में मुगलों का रूल चल रहा था सो मुगल कोर्ट में जो भी क्रॉनिकल्स को प्रोड्यूस किया गया था यानी कि जो भी रिकॉर्ड्स को प्रोड्यूस किया गया था जो भी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस किया गया था सो so, उसके थ्रू हमें उस टाइम पीरियड के सिचुएशन के बारे में पीजेंस के कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आईने अकबरी जो कि अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन के द्वारा लिखा गया था जिनका नाम था अबुल फैज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स फ्रॉम गुजरात महाराष्ट्र एंड राजस्थान सो so, सेवेंटीन से लेकर एटीन सेंचुरी सी के टाइम पीरियड के दौरान इन सारे ही प्रोविसेस या फिर स्टेट्स में जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को रखा गया था सो उसके थ्रू भी हमें उस टाइम पीरियड के पीजेंस के कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है एंड थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स है रिकॉर्ड्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी सो so, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टेबलाइज किया था so सो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भी जो कुछ भी रिकॉर्ड्स को प्रोड्यूस किया गया था सो उन सारे रिकॉर्ड्स से भी हमें उस टाइम पीरियड के एग्रीगियन सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है नेक्स्ट हमें काइंड्स ऑफ के बारे में बता रखा है so, पहला है सो पहला खुद कास्ता खुद है जो कि अपने विलेजेस में ही रहते हैं और अपने विलेजेस में अपने ही खुद के एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं एंड दूसरा है पही खास्ता सो पहही कास्ता ऐसे पीजेंस को कहा जाता है जो कि अपने विलेजेस में, 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 so, में नहीं रहते हैं बल्कि दूसरे के विलेजेस में जाते हैं काम करने के लिए एंड ये लोग खासकर दूसरे व्यक्ति के एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते हैं सो कास्ता कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस कल्टिवेटर्स होते हैं ना नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द पीजन एंड दियर लैंड सो अकॉर्डिंग टू द इंडो पर्शियन सोर्सेज इंडो पर्शियन सोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें ये पता लगा है कि क्रॉनिकल्स में पीजेंस के लिए रजारियन किसान या फिर आसामी टर्म का इस्तेमाल किया जाता था एंड साथ ही साथ इन सारे सोरेस से हमें यह भी पता लगा है कि नॉर्थ इंडिया में रहने वाले कोई भी जो एक एवरेज पीजन होता था सो उसके पास एक पियर ऑफ बुलेट एंड दो प्लाव होता था नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द फैक्टर्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उस टाइम पीरियड के दौरान एग्रीकल्चर का बहुत ही ज्यादा एक्सपेंशन होता था सो पहला फैक्टर है द एबेंडेंस ऑफ लैंड सो एग्रीकल्चरल लैंड की कोई भी कमी नहीं थी इंडिया में सो जितना ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड होगा उतना ही ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा सो ये पहला फैक्टर है दूसरा फैक्टर है अवेलेबल लेबर सो so, इस टाइम पीरियड के दौरान ऐसे लेबर भी बहुत ही ज्यादा अवेलेबल थे जो कि आपके एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर सकते हैं वर्क कर सकते हैं एंड तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है द मोबिलिटी ऑफ सो ऐसा नहीं था कि अपने अपने ही अपने ही विलेजेस में एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे ऐसा नहीं था बल्कि उस टाइम पीरियड के दौरान पीजेंस काम की तलाश में दूसरे विलेजेस में भी जाते थे दूसरे के एग्रीकल्चर फील्ड में भी वर्क करते थे सो so, इन थ्री फैक्टर्स की वजह से उस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हमें एक्सपेंशन देखने को मिला नेक्स्ट हमें इरिगेशन के बारे में बता रखा है सो इंडियन एग्रीकल्चर का जो बैकबोन है वो हम

ना नेक्स्ट हमें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में बता रखा है सो so, पहला है वाटरिंग बाय मींस ऑफ व्हील व्हील सो के द्वारा भी प्लांट्स के ऊपर वाटरिंग किया जाता था यानी कि प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड किया जाता था सो so, आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि एक व्हील के द्वारा किस तरीके से प्लांट्स में वाटरिंग दिया जाता था सो व्हील के बारे में हमें खासकर कर बाबर नामा से ही पता लगता है एंड खासकर लाहौर एंड दीपालपुर जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है सो so, इन सारे रीजन में व्हील के द्वारा प्लांट्स के ऊपर वाटर दिया जाता था दूसरा पॉइंट है वाटरिंग बाय बकेट यानी कि सिंपली बकेट में पानी भर के भी प्लांट्स के ऊपर वाटरिंग किया जाता था एंड इसके बारे में भी हमें बाबरनामा से ही पता लगता है एंड खासकर आगरा चांदवार एंड बयाना में बकेट के द्वारा वॉटरिंग किया जाता था Now, तीसरा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है आयरन so, का इस्तेमाल किया जाता था फोर्थ जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है वो है ड्रिल सो पीजेंस के द्वारा ड्रिल का भी इस्तेमाल किया जाता था खासकर सीड्स को प्लांट करने के लिए एंड जॉइंट ऑक्सन के द्वारा ही ड्रिल को पुल करवाया जाता था एंड जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है वो है नैरो आयरन ब्लेड विथ ए स्मॉल वुडन हैंडल सो होइंग एंड वीडिंग के प्रोसेस के लिए एक पतले से आयरन ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता था एंड उस आयरन ब्लेड में हमें एक स्मॉल वुडन हैंडल देखने को मिलता है सो so, इन सारे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता था उस टाइम पीरियड के पीजन के लिए अपने फील्ड में वाटरिंग देने के लिए अपने फील्ड में कल्टिवेशन करने के लिए नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट एन एबेंडेंस ऑफ क्रॉप्स सो इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो खासकर दो मेजर सीजन में ही होता है इंडिया में हमें खासकर

एंड दिल्ली में लगभग 43 थ्री वराइटीज ऑफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता था ओवर द टू सीजन सो इन दोनों ही सीजन में लगभग इतने सारे वराइटीज ऑफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता था एंड अगर हम लोग बंगाल रीजन की बात करें सो so बंगाल में लगभग 50 वराइटीज ऑफ सिर्फ और सिर्फ राइस को ही प्रोड्यूस किया जाता था नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट जीन्स ए कामिल सो जींस ए कामिल का मतलब होता है कैश क्रॉप्स यानी कि ऐसे क्रॉप्स जिसको आप सेल कर सकते हो सेल करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो कैश कमा सकते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन शुगर कैन ऑयल सीड्स लाइक मस्टर्ड एंड लैंटीन सो इन सारे क्रॉप्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके इसको सेल कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो सो so, ऐसे क्रॉप्स को ही जीन्स एक कामिल कहा जाता है सो so, खास सेंट्रल इंडिया में एंड डेकन प्लेटो में कॉटन को ग्रो करवाया जाता था एंड बंगाल के रीजन में शुगर को ग्रो करवाया जाता था नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द न्यू क्रॉप्स फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज से कौन से कौन से जो न्यू क्रॉप्स है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए सो इसके बारे में हमें नेक्स्ट बता रखा है सो so, पहला है मेज़ यानी कि मक्का सो so इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया फ्रॉम अफ्रीका एंड स्पेन ड्यूरिंग द सेवनटीन सेंचुरी इसके अलावा वेजिटेबल्स जैसे कि टोमेटोज पटेटोज चिल्लीज एंड फ्रूट्स लाइक पाइन एंड पपिया सो इन सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को भी न्यू वर्ल्ड से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया

सो so, पहला है द कल्टिवेटर्स दूसरा है द पंचायत एंड तीसरा है द विलेज हेडमैन सो नाउ अब हम लोग इन तीनों एलिमेंट्स के बारे में वन बाई वन डिस्कस करते हैं सो so, सबसे पहला है द कल्टिवेटर्स यानी कि पीजेंस सो so, विलेजेस में रहने वाले जो कल्टिवेटर्स होते थे सो so उनके बीच में हमें डीप इनवलिटीज़ देखने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सो विलेजेस में रहने वाले जो पीजेंस होते थे जो कल्टिवेटर्स होते थे सो so ऐसा नहीं था कि हर एक कल्टिवेटर्स को एक जैसा ही ट्रीट किया जाता था बल्कि उनके कास्ट के बेसिस पे उनके जाति के बेसिस पे अलग अलग कल्टिवेटर्स के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता था सो so, कल्टिवेटर्स के बीच में भी हमें डीप इनक्वलिटीज़ देखने को मिलता है विलेजेस में सो so, विलेजेस में हमें एक डायरेक्ट को रिलेशन देखने को मिलता है बिटवीन द कास्ट पॉवर्टी एंड सोशल स्टेटस यानी कि अगर कोई भी एक ऐसा कल्टीवेटर है जिसका जो कास्ट है वो बहुत ही ज्यादा लो है सो लोअर कास्ट होने की वजह से सोसाइटी में जो उसका स्टेटस होगा वो भी बहुत ही ज्यादा लो होगा एंड लोअर सोशल स्टेटस की वजह से उसको फोर्स किया जाएगा मीनियल वर्क करने के लिए जिस वजह से वो चाह कर भी ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता है एंड जिसके थ्रू फिर वो बहुत ही ज्यादा गरीब हो जाएगा पॉवर्टी में आ जाएगा सो so, इसी वजह से कास्ट सोशल स्टेटस एंड पॉवर्टी के बीच में हमें एक डायरेक्ट को रिलेशन देखने को मिलता है सो नेक्स्ट लाइन में भी हमें यही बता रखा है कि विलेजेस में ऐसे कुछ कास्ट ग्रुप्स होते थे जो कि बहुत ही ज्यादा लोअर होते थे एंड इसी वजह से उनको मीनियल या फिर एग्रीकल्चर लेबर का काम करने के लिए फोर्स किया जाता था एंड जिस वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा पोअर हो जाते थे बहुत ही ज्यादा गरीब हो जाते थे नेक्स्ट हमें हलाल खोरम कैटेगरी के बारे में बता रखा है जिसका मतलब होता है स्केवेंजर्स सो मुस्लिम कम्युनिटी में ये जो हलाल खोरम का कैटेगरी है सो so, इसको एक बहुत ही मीनियल कास्ट माना जाता था एक बहुत ही मीनियल ग्रुप माना जाता था एंड नेक्स्ट अगर हम लोग मल्ला जदास की बात करें जिसका मतलब होता है सन ऑफ बोटमैन सो बिहार में मल्ला जादा को इस कैटेगरी में रहने वाले जो लोग होते थे सो उनको स्लेव्स की तरह ही कंसिडर किया जाता था सो so, इन सारे पॉइंट्स से हमें ये पता लगता है कि विलेजेस में रहने वाले जो कल्टिवेटर्स होते थे सो उनके कास्ट के बेसिस पे उनके साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव किया जाता था या नेक्स्ट हमें पंचायत एंड विलेज हेडमैन के बारे में बता रखा है So, कास्ट लोग so, उनकी उनकी so, के लोगों को रिप्रेजेंट करता है में, अलग अलग जो कास्ट के लोग हैं सो so, वो लोग इंक्लूडेड होते थे वे लोग पंचायत का मेंबर होते थे एक्सेप्ट मीनियर्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स सो इन दोनों कम्युनिटी के लोगों को छोड़ के बाकी जितने भी कास्ट के लोग होते थे वे लोग पंचायत के मेंबर होते थे सो विलेज पंचायत में एक हेडमैन होते थे सो उसी हेडमैन को मुकदम या फिर मंडल कहा जाता है एंड उनको किस तरीके से चूज किया जाता था सो जितने भी विलेज के एल्डर्स होते थे वो लोग एक मत होकर विलेज पंचायत के हेड को चूज करते थे एंड फिर बाद में वो जमींदार के द्वारा भी रेटिफाइड किया जाता था यानी कि जमींदार भी फिर उस व्यक्ति को अप्रूव करते थे सो विलेजेस में रहने वाले जो अकाउंटेंट होते थे सो उनको पटवारी कहा जाता है ना नेक्स्ट हमें बता रखा है कि आखिर विलेज पंचायत को फंड कहाँ से मिलता था सो विलेज में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स होते थे वही लोग कंट्रीब्यूशन करते थे वही लोग फ़ंड प्रोवाइड किया करते थे एंड फिर विलेज पंचायत इस फंड का इस्तेमाल विलेज में वेलफेयर एक्टिविटीज़ को करने के लिए इस्तेमाल करते थे साथ ही साथ रेवेन्यू ऑफिशियल्स को एंटरटेन करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे बट विलेज पंचायत के जो हेडमैन होते थे जो मंडल होते थे सो वो कभी कभार बहुत ही ज़्यादा करप्ट भी निकल जाते थे और वो अपने पोजिशन का मिस भी करते थे नेक्स्ट हमें विलेज पंचायत के फंक्शन के बारे में बता रखा है सो so, पहला फंक्शन है टू प्रोटेक्ट कास्ट रूल सो अलग अलग कास्ट अलग अलग कम्युनिटी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सो so, उसको प्रोटेक्ट करना सो so ये विलेज पंचायत का फंक्शन होता था दूसरा है ऑब्जर्विंग मैरिजेस सो अलग अलग कास्ट के लोग अपने अपने कास्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग मैरिजेस कर रहे या फिर नहीं सो ये सब कुछ देखने का भी काम विलेज पंचायत के मेंबर्स का ही होता था विलेज हेडमैन का ही होता था इसके अलावा एक्सपेल फ्रॉम द कम्युनिटी कम्युनिटी सो विलेज से अगर किसी को बाहर निकालना है किसी को पनिशमेंट देना है सो ये भी विलेज हेडमैन के द्वारा ही किया जाता था एंड फोर्थ है किसी के ऊपर भी फाइन लगाना सो ये सब कुछ विलेज पंचायत के मेंबर्स के द्वारा विलेज पंचायत के लीडर या फिर हेडमैन के द्वारा किया जाता था नेक्स्ट हमें जाति पंचायत के बारे में बता रखा है सो विलेजेस में रहने वाले हर एक जो कास्ट के लोग होते थे सो उनका एक सेपरेट जाति पंचायत भी होता था सो कुछ रिकॉर्ड से हमें पता लगता है कि जाति पंचायत में काफी सारे लोग पेटिशन किया करते थे यानी कि रिक्वेस्ट किया करते थे अलग अलग कास्ट ग्रुप्स का जो भी प्रॉब्लम्स होता था सो वो लोग अपने अपने जाति पंचायत में जाके उन सारे प्रॉब्लम्स का शिकायत करते थे नेक्स्ट हमें जाति पंचायत के फंक्शंस के बारे में बता रखा है सो so, पहला फंक्शन है कि अगर अलग अलग कास्ट के मेंबर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है कुछ भी कन्फ्लिक्ट होता है सो so, उस कन्फ्लिक्ट को सेटल करने का काम जाति पंचायत के मेंबर्स का होता था दूसरा है कि अगर दो लोगों के बीच में लैंड्स को लेके झगड़ा हो जाता है देन तो उस झगड़े को उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का भी काम जाति पंचायत का ही होता था एंड तीसरा ये है कि उनके कास्ट का उनके जाति का जो रूल्स है रिगार्डिंग मैरिजेस इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को देखने का भी काम जाति पंचायत के मेंबर्स का ही होता था नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द विलेज आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट मैन सो विलेजेस में ज्यादातर लोग पीजेंस ही होते थे कल्टिवेटर्स ही होते थे बट उसके साथ साथ विलेजेस में कई सारे लोग आर्टिशियंस भी होते थे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्लैक स्मिथ कारपेंटर्स बार्बर्स एंड गोल्ड स्मिथ एंड इनके द्वारा काफी सारे क्राफ्ट प्रोडक्शन को किया जाता था जैसे कि डाइंग टेक्सटाइल प्रिंटिंग बेकिंग एंड फायरिंग ऑफ पोट्री मेकिंग एंड रिपेयरिंग एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स सो विलेजेस में ये सारे लोग भी रहा करते थे सो so, विदेश हमारा टॉपिक नंबर टू कम्प्लीट होता है ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर थ्री वेमे

इसके अलावा यानी कि बुनाई करना, जो होती थी, वे ये सब काम तो करती थी बट इसके साथ साथ वे लोग अपने एम्प्लॉयर्स के घरों में भी काम करती थी और जरूरत पड़ने पर वो लोग लो मार्केट्स भी जाती थी सो वेमेन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता था एग्रीगियन सोसाइटी में क्यूँकी ही चाइल्ड को बर्थ दे सकती थी बट वेमन का जो मॉर्टिलिटी रेट था यानी कि जो डेथ रेट था उस टाइम पीरियड के दौरान वो बहुत ही ज्यादा हाई था बिकॉज ऑफ मल न्यूट्रिशन फ्रिक्वेंट प्रेगनेंसीज एंड दे ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ सो इन सारी रीजन की वजह से उस टाइम पीरियड के दौरान वेमेन का जो डेथ रेट था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था जिस वजह से उस टाइम पीरियड के दौरान वाइफ का भी बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हो गया था एंड इसी वजह से ब्राइट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो रूरल कम्युनिटीज में इंट्रोड्यूस किया जाता है ब्राइट प्राइस यानी कि जो लड़का होता है वही शादी के दौरान ब्राइट के फैमिली को यानी कि लड़की के फैमिली को पेमेंट प्रोवाइड किया करता है लड़की के साथ शादी करने के लिए एंड वुमेन की शॉर्टेज होने की वजह से री मैरिज को भी लेजिटिमेट किया गया इसको भी अलाव किया गया बट जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होते गया वैसे वैसे घर के जो मेल मेंबर्स होते थे वे लोग वेमेन को बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखने लगे सो so, वेमेन के द्वारा काफी ज्यादा पेटिशन भी किया जाता था विलेज पंचायत में अपने जस्टिस के लिए अपने अधिकार के लिए अपने राइट्स के लिए बट अगर हम लोग लैंड जेंट्री यानी कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज की बात करें ऐसे फैमिलीज की बात करें जो कि काफी सारे लैंड्स को ओन करते थे सो so, ऐसे फैमिलीज में वेमेन को प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का राइट दिया जाता था सो so, अलग अलग कास्ट में वेमेन का अलग अलग कंडीशन होता था सो विद दिस हम लोगों ने एग्रीगियन सोसाइटी में वेमेन का क्या कंडीशन था क्या रोल था इसके बारे में डिस्कस किया सो टॉपिक

सो so, फॉरेस्ट में रहने वाले जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते थे फॉरेस्ट में रहने वाले जो निवासी होते थे सो so, उनको टेक्स में जंगली कहा जाता था सो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के द्वारा जो भी एक्टिविटीज किया जाता था सो so, वो सीजन स्पेसिफिक होता था यानी कि सीजन के ऊपर ही बेस्ड होता था जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वीस ट्राइक के जो लोग थे सो so, वे लोग खासकर स्प्रिंग सीजन में फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को कलेक्ट करते थे समर के सीजन में फिशिंग करते थे मानसून के सीजन में कल्टिवेशन करते थे एंड ऑटम एंड विंटर के सीजन में हंटिंग करते थे फॉरेस्ट so, गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेस्ट so के, so, के, के, के लोगों के ऊपर भी टैक्स को इम्पोज किया जाता था सो so फॉरेस्ट के पीपल खासकर स्टेट को पेशकश प्रोवाइड किया करते थे साथ ही साथ उस टाइम पीरियड के दौरान फॉरेस्ट प्रोडक्ट का बहुत ही ज्यादा डिमांड होता था खासकर हनी बी वैक्स एंड गैक्स का सो so फॉरेस्ट में रहने वाले जो ट्राइब्स पीपल होते थे सो so उनके ट्राइब का एक लीडर होता था एक हेड होता था जिसको चीफ कहा जाता है एंड बहुत सारे ऐसे ट्राइबल चीफ थे जो कि बाद में ज़मींदार भी बन गए एंड कुछ कुछ इवन किंग भी बन गए जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंध रीजन में जिस ट्राइब के लोग रहा करते थे सो so उनके पास एक बहुत ही अच्छा आर्मी होता था जिसमें लगभग सिक्स थाउजेंड कैवलरी मैन एंड सेवन थाउजेंड इन्फेंट्री होता था ना नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर फाइव जमींदार सो so, सबसे पहले हम लोग जमींदार के रोल के बारे में डिस्कस करते हैं सो so, जमींदार वॉज द ओनर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड जमींदार के द्वारा काफी सारे एग्रीकल्चरल लैंड को ओन किया जाता था साथ ही साथ रूरल सोसाइटी में जमींदार का एक बहुत ही सुप्रीम स्टेटस होता था एक बहुत ही सुप्रीम पोजिशन होता था एंड खासकर जमींदार हायर कास्ट से ही बिलोंग करते थे सो जमींदार के द्वारा स्टेट के लिए यानी कि गवर्नमेंट के लिए भी कुछ सर्विसेज को परफॉर्म किया जाता था जिसको खिदमत कहा जाता है साथ ही साथ जमींदार के पास राइट होता था टू कलेक्ट रेवेन्यू सो जमींदार रेवेन्यू को भी कलेक्ट कर सकते थे ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ में साथ ही साथ जमींदार के पास आर्मी को ऑर्गेनाइज करने का भी परमिशन होता था सो जमींदार के पास अपना खुद का कैवलरी आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री होता था साथ ही साथ जमींदार के पास स्ट्रॉन्ग कि किला भी होता था जिसको खिलाचास जाता है एंड जमींदार का अपना खुद का पर्सनल लैंड भी होता था जिसको मिलकियात कहा जाता है ना नेक्स्ट हमें बता है अबाउट हाउ डिट जमींदार गेट लैंड सो आखिर जमींदार के पास इतने सारे एग्रीकल्चर लैंड किस तरीके से आते थे सो so पहला तरीका है कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यू लैंड सो जमींदार के द्वारा न्यू लैंड के ऊपर कॉन्क्वेस्ट किया जाता था कंट्रोल किया जाता था दूसरा तरीका है ट्रांसफर ऑफ राइट सो काफी सारे एग्रीकल्चरल लैंड का जो राइट right है सो so जमींदार उस राइट right को अपने आप के ऊपर ट्रांसफर कर लेते थे तीसरा तरीका है ऑर्डर ऑफ द स्टेट सो अगर स्टेट के द्वारा मुगल एम्पायर के द्वारा अगर जमींदार को कोई भी पर्टिकुलर लैंड दिया जाता है सो so इस तरीके से भी जमींदार के पास काफी सारे

लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है सो उन सारे टर्म के मीनिंग को समझते हैं सो so पहला है दीवान सो so दीवान एक ऐसे ऑफिशियल को कहा जाता है जो कि एम्पायर में फिजिकल सिस्टम को सुपरवाइज़ करता है यानी कि मुग़ल एम्पायर में जो फाइनेंशियल सिस्टम है रेवेन्यू से रिलेटेड जो सिस्टम है सो so उस चीज़ को सुपरवाइज़ करने का काम दीवान का होता है एंड दीवान का जो ऑफिस होता है सो so उसको दफ्तर कहा जाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है अमिल गुजर सो अमिल गुजर बेसिकली रेवेन्यू कलेक्टर को कहा जाता है जो कि अलग अलग जगहों से रेवेन्यू को कलेक्ट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आमीन सो आमीन एक ऐसे ऑफिशियल को कहा जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंश्योरिंग इम्पेरियर रेगुलेशन कैरीड आउट इन द प्रोवेंसेज सो मुगल एम्पायर के हर एक प्रोवेंसेज में मुगल एम्पायर के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाया गया है सो so, वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है सो so, इन सारी चीजों को इंश्योर करने का काम आमीन का होता है ना नेक्स्ट अगर हम लोग मुगल इंडिया में लैंड रेवेन्यू के अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करें सो वो दो स्टेजेस में होता था सो so पहला है द जामा जिसका मतलब होता है द अमाउंट एसेस यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चरल फील्ड के ऊपर जो टैक्स को इम्पोज किया जाता था सो उसको कहा जाता है जामा एंड दूसरा है द हासिल जिसका मतलब होता है द एक्चुअल अमाउंट कलेक्टेड सो एग्रीकल्चरल फील्ड में से जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है कलेक्टर के द्वारा सो उसको हासिल कहा जाता है सो so एक पर्टिकुलर जो टैक्स अमाउंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर फिक्स किया जाता है सो उसको जमा कहा जाता है बट कल्टिवेटर्स के द्वारा एक्चुअल में जो अमाउंट दिया जाता है स्टेट को से so उसको हासिल कहा जाता है एंड कल्टिवेटर्स कैश एंड काइन दोनों में ही पेमेंट कर सकते थे गवर्नमेंट को एंड इवन जो मुगल एम्पायर्स होते थे सो so उनके द्वारा पूरे ही मुगल इंडिया में जो कल्टिवेटेड एंड जो कल्टिवेबल लैंड थे यानी कि ऐसे लैंड जहाँ पे कल्टिवेशन होता है एंड ऐसे लैंड जहाँ पे कल्टिवेशन हो तो सकता है बट वहाँ पे कल्टिवेशन किया नहीं जाता था सो so इन सारे लैंड्स को मेजर किया जाता था हर एक प्रोवेंस का सो विद दिस टॉपिक नंबर सिक्स कंप्लीट होता है ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह टॉपिक नंबर सेवन द फ्लो ऑफ सिल्वर सो so इंडिया उस टाइम पीरियड के दौरान भी काफी ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड करता था सो so इंडिया से जो भी गुड्स जो भी प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता था सो so उसके बदले में दूसरे कंट्रीज से बहुत ही ज्यादा सिल्वर इंडिया में फ्लो करता था सो so इसकी वजह से इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मेटल करेंसी अवेलेबल होने लगा इंडिया में सिल्वर रुपया को आमीट किया जाने लगा उसको छापा जाने लगा सो so इंडिया में जब बहुत ज्यादा सिल्वर मेटल आ रहा था सो इस वजह से इंडिया में काफ़ी सारे सिल्वर कॉइन्स को छापा जाने लगा एंड इस वजह से इंडिया की इकोनॉमी में मनी का बहुत

टू मेक अस्टोरिकल एंड उस हिस्टोरिकल का नाम है अकबरनामा सो अकबर के द्वारा अबुल फैजल को यह ऑर्डर दिया गया था कि मेरा जो भी बायोग्राफी है मेरा जो भी हिस्ट्री है मेरे रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान इंडिया में जैसा भी एडमिनिस्ट्रेशन है सो इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करो सो उसी रिकॉर्ड को अकबर नामा कहा जाता है उसी क्रॉनिकल को अकबर नामा कहा जाता है सो अकबर नामा में हमें तीन बुक्स देखने को मिलते हैं सो शुरुआत के जो दो बुक्स है उसमें हमें हिस्टोरिकल नैरेटिव देखने को मिलता है एंड जो तीसरा बुक है सो तीसरा बुक का नाम ही है आईने अकबरी एंड आईने अकबरी में भी हमें फाइव बुक्स देखने को मिलते हैं सो आईने अकबरी खुद अकबर नामा का तीसरा बुक है एंड आईने अकबरी में भी हमें पाँच बुक्स देखने को मिलते हैं जिसमें अलग अलग इशूज से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन दे रखा है सो नाव नेक्स्ट हम आईने अकबरी के कंटेंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे सो so, आईने अकबरी का जो पहला बुक है उसको मंजिल आबादी कहा जाता है सो so, इस बुक में हमें मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रखा है खासकर अकबर के रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान इसके अलावा इम्पेरियर हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड को किस तरीके से मेंटेन किया जाता था सो so, इन सारी चीजों से रिलेटेड हमें फर्स्ट बुक में इन्फॉर्मेशन मिलता है आइनी अकबरी का जो दूसरा बुक है उस बुक का नाम है सिपा आबादी सो so, इस बुक में हमें मुग़ल एम्पायर में जो मिलिट्री था जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था एंड सर्वेंस को किस तरीके से स्टेबलाइज किया जाता था किस तरीके से रिक्यट किया जाता था सो so, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलता है साथ ही साथ दूसरे बुक में मुगल एम्पायर में जो इम्पेरियल ऑफिशियल्स थे जिनको मनसबदार कहा जाता है इसके अलावा जो लर्न मैन पोइट एंड जो आर्टिस्ट थे सो so, उनका शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केच मिलता है आईने अकबरी का जो तीसरा बुक है उस बुक का नाम है मुल्क आबादी सो so, ये बुक डील करता है विद द फिजिकल मैटर यानी कि मुगल एम्पायर में फाइनेंशियल जो मैटर था जो रेवेन्यू रेट था एंड इसके अलावा पूरे ही मुगल एम्पायर में जो ट्वेल्व प्रोवेंस था सो so, 12 प्रोवेंस का जो अकाउंट है सो so, इन सारी चीज़ों से ये बुक डील करता है साथ ही साथ इस बुक में हमें परगनद या फिर महल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है किला के बारे में किन्फॉर्मेशन मिलता है नगदी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है जिसका मतलब होता है रेवेन्यू इन कैश यानी कि मुगल गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता है कैश में सो so उसको नगदी कहा जाता है सो इसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है साथ ही साथ जमींदार के बारे में जमींदार के कास्ट के बारे में एंड जमींदार के द्वारा जो ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज किया जाता था जमींदार के कितने सारे हॉर्समैन होते थे कितने सारे फुट सोल्जर्स होते थे एंड जमींदार कितने सारे एलिफेंट्स रखता था अपने पास सो इन सारी चीजों से रिलेटेड हमें थर्ड बुक में इन्फॉर्मेशन शन मिलता है एंड नाउ आईनी अकबरी का जो फोर्थ एंड जो फिफ्थ बुक है सो ये डील करता है विद द रिलीजियस लिटरेसी एंड कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ मुगल एम्पायर साथ ही साथ अकबर की जितने भी ऑस्पेशियस है यानी कि अकबर के द्वारा जितनी भी अच्छी बातें बोला गया है सो इन सारी चीजों से रिलेटेड हमें फोर्थ एंड फिफ्थ बुक में इन्फॉर्मेशन मिलता है सो विद दिस हमारा ये पूरा ही चैप्टर कम्प्लीट होता है इन अ वेरी इजी वे सो आई होप कि आपको इस चैप्टर का ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा बट वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर आपको इस चैप्टर को और भी डिटेल में समझना है देन प्लीज वॉज द डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इस चैप्टर के अलावा अगर आपको अपने क्लास ट्वेल्व हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स के भी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है या फिर वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है देन उन सारी वीडियोस का लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो प्लीज चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड विद दिस आज के इस वीडियो के एंड करते हैं सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो नाउ सी ऑल्सो इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय स्टेट विथ माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो